हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं गया था अपने लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर और वहाँ से मैंने एक टॉर्च का सैंपल लिया। और ये खाली खोखा है और इसके साथ में जो लिथियम बैटरी बनाने के लिए कंपोनेंट आते हैं वो हमने परचेज़ किए। इसका प्राइस मैं आपको वन बाई वन बताता हूँ और किस तरीके से हम इस टॉर्च को तैयार करेंगे बिल्कुल कम दामों में और बहुत ही रिलायबल लाइट बनने वाली है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये वाला जो खोखा है और इसके साथ में ये आगे का कवर है, यहाँ पर एक लाइट है उसका भी कवर है। ये हमें 55 रुपीज़ में मिला था। ये जो दो लिथियम आयन सेल है, ये हर एक सेल 1500 एमएच का है और इसका कॉस्ट हमें 40 रुपये पड़ा था। लेकिन ये मुझे पता है बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, लगभग 300 साइकिल का होना चाहिए, फिर हम बैटरी में लगा कर भी चेक कर लेंगे। ये हमें 40 रुपीज़ में पड़ी थी एंड TP4056 मॉड्यूल है जो मेरा फेवरेट है। ये मेरे को 24 रुपीज़ में मिला था एंड ये मिला था 6 रुपीज़ में और इस कांच का 5 रुपये मिला था। इसके अलावा एक ये इस बैटरी का स्विच है, ये हमें 8 रुपये का पड़ा था। एंड ये एक जो पुराने ज़माने का ट्रांसफॉर्मर चार्जर का केबल आता है इस ढक्कन को बंद करने के लिए, ये भी 7-8 रुपये का हमें मिला था। तो टोटल हमें इतना आइटम रिक्वायरमेंट होगा एक न्यू टॉर्च को बनाने के लिए। अभी असेंबली शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इस दोनों लिथियम आयन बैटरियों को जोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो आसमानी वायर है ये नेगेटिव का है और पॉजिटिव का रेड वायर है और जो मॉड्यूल है उसमें भी हमने लगा दिया है। आउटपुट नेगेटिव पर एक बार वायर लगाया और आउटपुट पॉजिटिव पर रेड वायर लगाया। वहीं पर जो बैटरी पॉजिटिव है वहाँ पर रेड वायर और बैटरी नेगेटिव है वहाँ पर नेगेटिव का ब्लू वायर लगा दिया। सर्किट हमारा रेडी हो चुका है और अभी हम इस बैटरी को इंस्टॉल करते हैं इस बक्से के अंदर। तो दोस्तों, हमने इस मॉड्यूल को इस बैटरी के पीछे की साइड में लगा दिया और 6 रुपये वाले पिन थे वो इसके चार्जिंग के प्लस और माइनस पर लगा दिया। इस तरीके से ये आसानी से चार्ज हो पाएगा बाहर से और जो LED इंडिकेटर है वो भी शो कर रहा है कि अभी बैटरी चार्जिंग हो रही है। एंड अभी हम ग्लू गन से सारी बैटरियों को एक साथ चिपका लेंगे और BMS है उसको भी अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो दोस्तों, इसका वायरिंग करना एकदम सिंपल है। आपको 3-4 वायर मिलते हैं, जो मेन बैटरी का पॉजिटिव वायर है उसको आपको स्विच के बीच में लगाना और जो साइड वाली लाइट है उसका वायर स्विच के दूसरी साइड में और जो मेन हेडलाइट है उसका जो वायर है पॉजिटिव का वो स्विच के दूसरी साइड में लगाना। इस तरीके से जो पॉजिटिव कनेक्शन स्विच पे हो जाएंगे एंड जो नेगेटिव कनेक्शन है उन सभी को एक साथ जोड़ देना है, एक तो हेडलैम्प का, एक साइड लाइट का और एक मेन बैटरी नेगेटिव का। उस तरीके से जो बैटरी है उसका वायरिंग कंप्लीट होता है। एकदम सिंपल है, कोई भी कर सकता है, सो आप भी कर लोगे। अभी हम फिट कर लेंगे स्विच को और इसके बाद में जो कांच है वो फिट करेंगे और उसके ऊपर जो हेडलैम्प है उसको फिट कर देंगे और पीछे थोड़ा सा ग्लूगन लगा देंगे क्योंकि ये DIY है तो ग्लूगन के बिना तो वीडियो पूरा होता नहीं है। तो दोस्तों, इस टॉर्च को हमने एकदम कंप्लीट कर दिया है और इसमें हमें कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि सारे पुर्जे नए थे और हम देखना चाहते थे कि हम कम से कम दाम में नए पुर्जों के साथ में लिथियम आयन बैटरी की टॉर्च किस प्रकार बना सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और हमने जो सभी पार्ट्स लिए वो ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है और ऑफलाइन में भी आसानी से मिल जाता है अगर आप किसी बड़ी सिटी के इस पास में रहते हो तो। ये इसका चार्जिंग पोर्ट है और पहले जब ये बैटरी लेड एसिड के साथ आती थी उसमें ट्रांसफार्मर के लिए ये सीधे 220 वोल्ट आउटलेट में फिट होते थे। अभी इसका इस्तेमाल कोई नहीं है, इसका चार्जिंग हम यहाँ से करेंगे। और ये वाले जो लैंप थे ये हमने पुराने जो टॉर्चे बाय की थी उसमें से हार्वेस्ट करके लगाया और ओवरऑल एक बहुत ही लाइट वेट टॉर्च है और हमने कंप्लीट कर दिया है। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सारे पार्ट्स की लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ऑनलाइन वाले, और अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो अपने नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नए नए वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। Bye.